मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। सागर के बीना विधानसभा से वर्तमान कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। निर्मला सागर जिले की एकमात्र कांग्रेस एमएलए थी। वह पहली बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची थी। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लगे हैं। मध्य प्रदेश में अब तक प्रदेश कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। इसी कड़ी में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। सागर जिले के बीना विधानसभा से कांग्रेस के वर्तमान विधायक निर्मला सप्रे ने बीजेपी ज्वाइन की है। निर्मला सप्रे ने राहतगढ़ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के समक्ष भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता ग्रहण की है। निर्मला सागर जिले की एकमात्र कांग्रेस विधायक थी। आपको बता दें कि यह कांग्रेस की तीसरी विधायक है जो बीजेपी में शामिल हुई है। इससे पहले रामनिवास रावत और कमलेश शाह भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में सागर जिले की 8 में से 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया है। कांग्रेस के खाते में केवल एक बीना सीट आई थी, जहां से निर्मला सप्रे ने बीजेपी के महेश राय को हराया था। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ एमपी, सागर।